मेला देखने के बाद शौच के लिए गई छात्रा के साथ गैंगरेप, छात्रा की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। पुलिस पर दबाव बनाकर तहरीर बदलने का परिजनों ने लगाया आरोप। आपको बताते चले कि ताज़ा मामला यूपी के सीतापुर थाना पिंसावा क्षेत्र का है, जहां पर छात्रा 84 कोसी परिक्रमा का मेला देखकर घर वापस आई थी। घर से रात्रि के समय छात्रा शौच के लिए जा रही थी, जहां पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के 3 दबंगों ने छात्रा को दबोच लिया। वह छात्रा को जबरन मारुति वैन में खींच ले गए। छात्रा के साथ बारी बारी से बलात्कार कर वापस छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों ने इधर उधर तलाशना शुरू किया। काफ़ी देर बाद मारुति वैन से लाइट देखी। वहां पर पहुंचने के बाद परिजनों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसमें एक आरोपी मौके से ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसे डायल 100 को सौंप दिया गया। परिजनों का आरोप तहरीर देने के 12 घंटे बाद भी पुलिस द्वारा मुकदमा नहीं लिखा गया। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाकर तहरीर बदलने का भी आरोप लगाया है। वह पीड़ित छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पर छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। सीतापुर से 24 आवर स्टूडियो न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। रहने वाला हूँ, मेरे पंकज मिश्रा के पारिवारिक संबंध है। लड़की मेला देखकर हमारे घर पर आई और अक्सर हमारे यहाँ उनके परिवार के आना जाना रहता है। तो सर, हम एक परचून की दुकान किए हुए हैं, उससे 11 बजे घर पर आए। गाँव है देवगवा, वहाँ की घटना है। इसमें एक लड़की जो है बिजौली गांव की रहने वाली थी, वो अपने पिताजी के साथ जो है परिक्रमा मेला देखने आई थी। वहाँ पर उसकी एक सहेली देवगवा की मिल गई। उसने अपने पिता से कहा कि मैं